दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार नियोजन में एनआईएस डीएलएड की वैलिडिटी को लेकर कोर्ट ने ऑलरेडी अपडेट किया था, जिसके बारे में कि लगातार हम आपको बता रहे हैं। और अब यहां पर कोर्ट की जो है ऑफिशियल जो ऑर्डर है वो निर्गत हो गई है पटना उच्च न्यायालय के द्वारा। तो वो पूरी लेटर हमारे पास है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये है प्रॉपर ऑर्डर जो कि कोर्ट ने जारी किया है। और बाय द वे, जब भी कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है तो वहाँ की ये एक तरीका होती है, आप लोग जिनको पता होगा वो जानते होंगे कि सुनवाई के दौरान जितनी भी बातें हुई, मतलब जब से केस रेज किया गया तब से लेकर हर पक्ष ने जितनी भी बातें बोली, सारी बातों को वहाँ पर मेंशन किया जाता है। जैसे कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव, दोनों पक्ष जो चाहते हैं जो नहीं चाहते, दोनों पक्ष की सारी बातों को नोट किया जाता है और उसके बाद जो डिसीजन होता है वो निर्गत किया जाता है। और उस बीच में जब दोनों पक्ष की बातों को सुना जाता है तो जजमेंट से पहले लिखा जाता है कि एक्चुअल में ट्रूथ क्या है, और उसके लिए पूरी पूरी जो उसकी मतलब भूतकाल में जाके सारे चीज़ों को खंगाला भी जाता है। तो वो पूरा चीज़ यहाँ पर इस नोटिस में जारी किया गया है कि मतलब शिक्षार्थियों के तरफ से क्या केस किया गया, फिर एनसीटी के तरफ से क्या बोला गया, पूरी क्या क्या बात हुई सब कुछ। और साथ में जब ये कोर्स एनआईएस डीएलएड का चला तब किस किस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया चली थी और उस समय क्या बोला गया था, कब क्या बोला गया था। तो इस पूरे रिपोर्ट में अगर आप देखेंगे तो एक एक करके हर एक बात यहाँ पर मेंशन की गई है। हम आपको बस इम्पोर्टेंट फोकस बात आपको यहाँ पर हम दिखाएंगे। तो 2 साल के कोर्स और 18 महीने के कोर्स में कितनी लड़ाई हुई, कितनी बात हुई इस 6 महीने के कारण, और कितना ज़्यादा बातचीत हुआ, वो सब कुछ यहाँ पर इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आपको एक एक चीज़ इसमें, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आरटी क्या कहते हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है आरटीए, वो क्या है, एनसीटी क्या है, क्यों 2 साल की बात की जाती है, क्यों इसको 18 महीने का बोला जा रहा है, क्या हुआ था, क्यों 18 महीने का किया गया था, वो सब बात यहाँ पर एक एक करके आपको मेंशन की गई है। तो आप देख पाएंगे कि उसके बाद डीएलएड को मान्यता दी गई है आपके नियोजन में, लेकिन इस डीएलएड को मान्यता नहीं दी गई। उसके बाद एनसीटी ने क्या पत्र जारी किया और उन्होंने कैसे दावा बोला कि 18 महीने का कोर्स है, इसे मान्यता नहीं मिलेगी। तो फिर कोर्स तो बच्चों ने कहीं हवा में तो कर नहीं लिया, एनसीटीई के द्वारा ही किया, तो फिर क्यों 18 महीने का कोर्स कराया गया, क्या 6 महीने का क्या गैप था, क्यों गैप था, उन सभी बातों को यहाँ पर समझने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर पूरी रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। मैंने पूरा पढ़ा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालाँकि अगर मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊँ तो इसमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, लेकिन जो मेन बात है, ठीक है, पूरे अधिनियम जो अधिनियम है और जैसे जैसे पढ़ाई की गई है उन सभी के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। और जो मेन बात है वहाँ पर देखिए, ये वाला जी। तो अब यहाँ पर पूरी तरीके से ये वाला चीज़ अगर आप देखते हैं तो इसको ध्यान से आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा जाता है कि ये 14वें जो लिखा हुआ है कि निर्णयों के नंगेपन से यह स्पष्ट है कि एनसीटीई ने डीएलएड में एक बार पाठ्यक्रम को मान्यता दी थी। कुछ अवधि की छूट केवल इन सर्विस शिक्षकों को दी गई थी जिन्होंने आवश्यक डिग्री जैसे बीएड डीएलएड प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अपेक्षित अर्हता प्राप्त जिन्होंने की है या की जाती है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि जिन शिक्षकों ने एनआईएस डीएलएड और एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी अन्य संस्थान के माध्यम से 2 साल की अवधि में डीएलएड पाठ्यक्रम एनसीटी अधिनियम के तहत की धारा 23(2) और बिहार पंचायत प्राथमिक शिक्षक नियमों के नियम 5 के तहत निर्धारित है और एनसीटी के अपर सचिव द्वारा जारी अनुबंध 10 में निहित पत्र के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि एनसीटी ने स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को भी सूचित किया है कि एनआरसी के अनुसार एनसीटी के आदेश दिनांक 22/9/2017 को डीएलएड के कार्यक्रम केवल उन लोगों के लिए है संयुक्त राष्ट्र से प्रशिक्षित
सेवाकालीन, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को शिक्षक, गवर्नमेंट में शिक्षक, अनुदानित, निजी अनएडेड स्कूल 10 अगस्त 2017 को या उससे पहले नियुक्त किए गए हो। लेकिन ध्यान से देखिएगा, लेकिन कहीं भी ये उल्लेख नहीं किया गया है, ये कोर्ट का ऑर्डर है, कि उक्त कोर्स को 2 साल के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुरूप नहीं माना जा सकता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया है कि इसको 2 साल के अनुरूप नहीं माना जा सकता है, और इस तरह के निर्देशों के आधार पर 2 साल का डिग्री कोर्स ये जो, जबकि उस पाठ्यक्रम को विधिवत किया गया था। तो मतलब जब यहाँ पर लिखा गया कि नहीं ये 18 महीने का है, तो जो 18 महीने का आपने कराया तो आपने ही, तो आपने NCT ने या सरकार ने, MHRD ने इस कोर्स को कराया, तो कहीं पर भी आपने ये नहीं लिखा कि इसको हम 2 साल के कोर्स की तरह नहीं मानते। इनफैक्ट आपने हर जगह ये लिखा कि ये 2 साल के कोर्स की तरह है। इसके बाद देखिए, इस प्रकार, अब ये कोर्ट का फाइनल ऑर्डर है, इस प्रकार मुझे ये लगता है कि NCT द्वारा जारी किए गए ऐसे गलत विवरण और स्पष्टीकरण के प्रसार पर, देखिए NCT द्वारा जारी किए गए गलत विवरण और स्पष्टीकरण के प्रसार पर निदेशक प्राथमिक शिक्षा ने अवैध रूप से निर्देश जारी किया कि जिन व्यक्ति ने DLED NIS द्वारा 18 महीने के लिए विधिवत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, और इस प्रकार अनुबंध में निहित पत्र संविधान के अनुच्छेद 14 के गैर कानूनी, अपर्याय और हिंसक हैं। मतलब ये जो निर्देश जारी किया गया है, ठीक है, जिसमें ये कहा गया है कि ये जो DLED पाठ्यक्रम चलाया गया है ये नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है, तो ये जो है गैर कानूनी है और अपर्याय और हिंसक है, ठीक है, इसलिए इसको अनुलग्न 11 को इसे अलग रखा गया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि NCT द्वारा अभी जो है यहाँ पर अगर वैलिडिटी नहीं दी गई, तो वो गलत विवरण जारी हुआ और गलत स्पष्टीकरण हुआ, और इसके प्रसार पर जो है ये अवैध है कहना कि DLED जो NIS से किए हैं वो 18 महीने के कोर्स यहाँ पर हैं, और 18 महीने के कोर्स मान्य नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं पर नहीं लिखा है कि ये कोर्स जो है 2 साल की कोर्स की तरह नहीं है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आ गया कि रीट याचिकाओं की अनुमति है, उत्तरदाताओं को निर्देशित किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को 1 महीने के भीतर आवेदन करने की अनुमति दें, और प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। तो ये जो प्रॉपर ऑर्डर है, सिर्फ ये लाइन ही नहीं दोस्तों, ये जो प्रॉपर पूरा ऑर्डर है, ये पूरा ऑर्डर कहीं ना कहीं इस बात को संकेत देता है कि हर जगह पे इसकी वैलिडिटी होगी, क्योंकि अगर वैलिडिटी नहीं होती है तो ये NCT या MHRD की ही मिस्टेक होती है। समझ रहे हैं बात को, पूरे लॉ एंड ऑर्डर को पढ़ने के बाद ये बिल्कुल क्लियर है कि कहीं पर भी इसको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब मतलब एक ही बात हो गया कि अपने ही बात को डिफेंड करना, मतलब मैं बोलता हूँ कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा, फिर मैं बोलता हूँ कि मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, वही बात है, मैंने खुद ही बोला कि नहीं ये रास्ता जो है ठीक है, तो ये रास्ता थोड़ा छोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये रास्ता उधर जाएगा ही नहीं। तो ये कहीं पर भी नहीं होगा कि अगर छोटा छोटा कोर्स है, 18 महीने का कोर्स है, तो ये वैलिड नहीं होगा या इसे 2 साल की तरह नहीं माना जाएगा, ये बात कहीं पर भी शुरू से नहीं लिखा गया। इनफैक्ट हमेशा ये लिखा गया कि ये वैलिड होगा, इसलिए यहाँ से इस ऑर्डर के बाद, इस प्रति के बाद, अब जो है बाकी राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, या जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, या जिस भी एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हो रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पर वहाँ पर जो न्याय होगा, अगर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये प्रति वहाँ पर काम आएगी, ठीक है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए, कहीं ना कहीं पूरी पॉजिटिव संकेत के साथ पूरी नोटिस जारी कर दी गई है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको योर ऑनलाइन पार्टनर पर हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय बाय, जय हिंद।